ब्राजील के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ब्राजील जापान की तरह से जैविक फुकुशिमा त्रासदी को झेल रहा है, जिसमें हर हफ्ते कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन सामने आ रहा है। ब्राजील में मंगलवार को मौतों का एक दिन का रिकॉर्ड टूट गया और 4,195 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अनुमान है कि जुलाई महीने तक ही देश में 6 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। देश के पूर्वोत्तर इलाके में कोरोना वायरस से लड़ रही टीम का फरवरी महीने तक नेतृत्व करने वाली मिगुएल निकोलिसिस ने कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोलसोनारो देश के इतिहास में सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, ये एक परमाणु रिएक्टर की तरह से है जिसमें चेन रिएक्शन शुरू हो गया है और ये नियंत्रण के बाहर है। ये जैविक फुकुशिमा त्रासदी की तरह से है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने कहा, हम हर हफ्ते एक नया स्ट्रेन देख रहे हैं जिसमें से कुछ पहले से ज्यादा संक्रामक हैं और ज्यादा घातक हैं। इनमें से कुछ सीमा पार करके लैटिन अमेरिका के अन्य देशों और वहां से पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। बता दें कि दुनिया में कोविड 19 मामलों की संख्या 13.22 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 28.7 लाख के पार हो गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में अब मामलों की संख्या 13,22,93,556 और मरने वालों की संख्या 28,71,642 हो गई है। 3,36,947 मौतों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर। दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का सबसे बुरा प्रकोप अब भी अमेरिका झेल रहा है। यहां अब तक सबसे ज्यादा 3,08,45,915 मामले और 5,56,509 मौतें दर्ज हो चुकी है। वही 1,31,580 मामलों और 3,36,947 मौतों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।